तो दोस्तों इंडस गेम में आया है सीजन 1 इलाइट पास। आपको ये तो मालूम है कि फ्री फायर में सीजन 1 इलाइट पास कितना ज्यादा रेयर है। उसका गोल्डन वाला वर्जन अभी तक फ्री फायर में रिटर्न भी नहीं आया है और कभी आएगा भी नहीं, ऐसा खुद फ्री फायर वालों ने बोला था। तो यहाँ पर जिस तरह हम लोग को इंडस गेम में सीजन 1 देखने को मिल रहा है, क्या हम लोग को निकालना चाहिए और वो देखने में कैसा लगता है, और निकालेंगे तो क्या वो भी फ्री फायर की तरह मोस्ट रेयर बंडल बनने वाला है इंडस गेम में, जो कि हमारे खुद इंडिया का गेम है। सो गाइस आज हम लोग इसी बात पे इंडस गेम का सीजन 1 इलाइट पास देखने वाले हैं और डिसाइड करने वाले हैं कि ये वाला इलाइट पास हम लोग को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं फ्री फायर सबसे बेस्ट गेम है या इंडस सबसे बेस्ट गेम है, मतलब कि हम दोनों गेम में कंपेयर करने वाले हैं। उसके बाद हमें ये मालूम चल जाएगा कि हम लोग को फ्री फायर गेम को छोड़ के इंडस गेम में शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस पहले हम लोग इन दोनों गेम का एमबी कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे हमें ये मालूम चल जाएगा कौन सा गेम कम एमबी खाता है डाउनलोड होने में। तो अगर हम लोग यहाँ पर फ्री फायर की बात करें, अगर आप लोग इसे डाउनलोड करने जाओगे तो ये यहाँ पर लेगा 539 एमबी डाउनलोड करने में, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर इंडस डाउनलोड करने जाओगे तो ये आपका लेगा 549 एमबी, मतलब कि ज्यादा फर्क नहीं है, बस 10 एमबी का फर्क है। 10 एमबी ज्यादा लेता है इंडस गेम डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है फ्री फायर को बिकॉज ये 10 एमबी कम लेता है डाउनलोड करने में। अब गाइस हम लोग करने वाले हैं नेम चेंज कंपैरिजन। अब आप में से कितने सारे बंदे ये सोचेंगे अब ये नेम चेंज में क्या कंपैरिजन करेगा। तो देखो यार आप लोग को मालूम है फ्री फायर में नेम चेंज करने के लिए आप लोग को यहाँ पर लगाना पड़ता है 390 डायमंड, जो कि आप लोग को पता है रियल पैसे से डायमंड टॉप अप होता है। तो यहाँ पर मतलब कि रियल पैसे लेने के बाद फ्री फायर में आप लोग नेम चेंज कर सकते हो और कभी कभार फ्री वाला कार्ड मिलता है, ठीक है। लेकिन फ्री में आप लोग हमेशा नेम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग इंडस गेम खेलने जा रहे हो तो आपको मैं बता दूं आप लोग वहां पर कितने बार भी नाम चेंज कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। मैंने खुद यहाँ पर 3 से 4 बार नेम चेंज किया था, आप लोग के सामने मैं दिखा भी रहा हूँ डिस्प्ले में। अब दोस्तों हम लोग कंपेयर करने वाले इन दोनों गेम की कंट्रोल सेटिंग को। इन दोनों गेम में से जिस गेम का कंट्रोल सेटिंग सबसे सिंपल रहेगा और इजी टू कंट्रोल रहेगा उसको मिलेगा यहाँ पर एक पॉइंट। सो गाइस आपके सामने पेस है फ्री फायर का कंट्रोल सेटिंग और आप लोग इसको देख सकते हो। ये यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा सिंपल लगता है, आराम से मैं समझ सकता हूँ। पबजी के मुकाबले में गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है, पबजी वाला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। हो सकता है हम लोग खेलते नहीं इसलिए हम लोग को सिंपल लग रहा हो। लेकिन अभी हम लोग ने यहाँ पर इंडस का सेटिंग नहीं देखा, अभी हम लोग इंडस का सेटिंग कंट्रोल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर चलते हैं इंडस गेम की ओर और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये भी भाई जो सेटिंग है ना बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है मेरे को। इसको भी हम लोग इजी टू कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने खेला भी एक आध गेम तो मेरे को यार सही लगा इसका भी कंट्रोल और इसका भी मेरे को सही लगता है। सो गाइस इस बार इन दोनों में से किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि यार इन दोनों की सेटिंग मेरे को सिंपल लग रही है और हम लोग आराम से समझ के खेल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को लगता है मैं इस बार पॉइंट देने में गलती कर दिया तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि किसको पॉइंट देना चाहिए था। अब दोस्तों हम लोग करने वाले गेम का सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जो कि है ग्राफिक क्वालिटी कंपैरिजन। आपको ये तो मालूम ही होगा किसी गेम को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी ग्राफिक बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी जाके बंदे खेलेंगे, बंदों का इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ इंडस गेम के ग्राफिक जो कि यार भाई बहुत ज्यादा कार्टून लग रहा है। फ्री फायर का ग्राफिक भी थोड़ा कार्टून टाइप का है बट उससे बहुत ज्यादा ग्राफिक इसके कार्टून लग रहा था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैं आप लोग को डिस्प्ले पे दिखा भी रहा हूँ। और ये भाई ये मत सोचना कि मैं स्मूथ पे खेल रहा हूँ, ये पूरा हाई ग्राफिक पे दिखा रहा हूँ मैं आपको इंडस गेम का, ठीक है ना। और अभी थोड़ा सा मेरा गेम मतलब लैग भी कर रहा था बट यहाँ पर अच्छा खासा रिकॉर्ड हो चुका है। आप लोग देखो भाई कुछ खास मेरे को नहीं लगा ग्राफिक, जिस तरह इन्होंने ट्रेलर में दिखाया था उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों आप लोग दूसरी तरफ देख सकते हो फ्री फायर ग्राफिक जो कि यार पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है और कितना शानदार लग रहा है देखने में, जबकि फ्री फायर गेम को डाउनलोड करने में 10 एमबी कम लगता है इंडस गेम के कंपैरिजन में। सो गाइस मुझे मालूम है आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आप लोग को मालूम चल ही गया होगा फ्री फायर का ग्राफिक यहाँ पर इंडस से कितना अच्छा है, कितनी अच्छी यहाँ पर क्वालिटी मिलती है। सो दोस्तों इसी बात पे यहाँ पर पॉइंट चला जाता है फ्री फायर को। अब गाइस हम लोग करने वाले हैं लूट क्लियर विजुअल कंपैरिजन, जिससे कि हमें मालूम चल जाएगा कौन से गेम में क्लियर लूट दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग फ्री फायर में देख सकते हो यहाँ पर कितना क्लियर दिख रहा है, गन का नाम भी दिख रहा है, ये अग गन है, ये मेडिकेट है, ये एमओ है, कितना क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम लोग जाएंगे इंडस गेम में, गाइस देखो अगर मैं सच बताऊं तो आपको इंडस गेम में समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर लूट पड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पर लूट पड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही आप लोग उसके पास जाओगे तो आपको यहाँ पर जो गन का फोटो होता है उसके बदले में आपको बस व्हाइट कलर का फोटो बना दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर फोटो बना के लोग नहीं दिखाएंगे कि यही गन है,
और यहाँ पर यू फूरी गन है, बट यहाँ पर इसका जो चित्र होता है वो चित्र यहाँ पर नहीं बनाया, बस व्हाइट कलर का फोटो बनाया हुआ, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने बैकपैक के साथ भी किया, आप लोग नीचे बैकपैक भी देख सकते हो। मतलब भाई ये चीज बहुत ज्यादा गलत है यार, यहाँ पर फोटो बना के आपको दिखाना पड़ेगा विजुअल, जिसकी वजह से बंदे तुरंत पहचान जाए ठीक है गन को। ऐसे तो यार सब गन एक जैसे ही लगेगा ना। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों गेम के बीच सिर्फ 5 चीजों का कंपैरिजन किया था, जिसमें से यहाँ पर फ्री फायर के होते 3 पॉइंट और इंडस गेम के होते हैं सिर्फ 1 पॉइंट। तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि अभी के टाइम पे फ्री फायर गेम बहुत ज्यादा आगे है इंडस गेम के मुकाबले में। और गाइस हमारे इंडिया गेम इंडस को अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जोड़ते हैं, और अभी के टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत बेकार गेम है, तो ये एक तरह से अच्छी बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इंडियन होकर इंडिया गेम को बेकार क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई देखो यहाँ पर इंडियन होना या इंडिया गेम को बेकार बोलना मुद्दा नहीं है, यहाँ पर ये मुद्दा है कि भाई इस गेम को फीडबैक जाना चाहिए कैसे भी जाए। यहाँ पर अगर देखो बहुत सारे क्रिएटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस गेम को, मतलब कि क्या इस गेम का जो डेवलपर है वो समझेगा कि भाई हाँ ऑडियंस को क्या अच्छा नहीं लग रहा, ऑडियंस क्या उम्मीद कर रही है हम लोग से, उस पे वो काम करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, तब जाके हमें और अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्या हम लोग को इंडस गेम का सीजन 1 इलाइट पास बाय करना चाहिए, क्या वो आगे चल के बहुत ज्यादा रेयर हो जाएगा, क्या हमें उससे वैल्यू मिलेगा आगे चल के। सो गाइस स्पेस है आप लोग के सामने यहाँ पर सीजन 1 इलाइट पास इंडस का। और दोस्तों आपको पता ही है हर इलाइट पास में फ्री के भी सामान मिलते हैं जिसे आप लोग मिशन कंप्लीट करके ले सकते हो। और दोस्तों टू बी ऑनेस्ट इस इलाइट पास में जो फ्री के सामान है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हैं, जैसा कि आप लोग ये गिटार वाला इमोट देख सकते हो, इसको आप लोग एकदम फ्री में ले सकते हो, इसके लिए आपको गेम में 1 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ मैं वीडियो क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि इलाइट पास कितने का अगर आपको बाय करना तो कितना रुपए लगेगा आपका इसको बाय करने में, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा चिंता मत लो। और दोस्तों ये जॉन सीना वाला इमोट भी है इस गेम में, जिसको आप लोग एकदम फ्री में ले सकते हो, अगर आप लोग गेम जाकर खेलोगे तो यार अच्छा मौका है। सो गाइस चलो पहले देख लेते हैं फ्री सीजन 1 का बंडल, उसके बाद हम लोग देखेंगे पैसा वाला सीजन 1 का बंडल कैसा है। पहले आप लोग यहाँ पर फ्री वाला देख सकते हो भाई, देखने में ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब 1 नंबर है भाई। और दोस्तों जिस तरह हम लोग के फ्री फायर गेम में सीजन 1 में सीजन 1 का बंडल देखने को मिला था, उस तरह इस गेम में सीजन 1 में सीजन 1 का अवतार देखने को मिलता है। अब अवतार मतलब अवतार बैनर वाला अवतार नहीं, अवतार मतलब करेक्टर, मतलब की एक तरह से आप लोग करेक्टर समझ सकते हो इसको, ठीक है ना, जो की पूरा बंडल वाला करेक्टर है। सो गाइस अब देखते हैं पैसा लगाकर हमें क्या क्या मिलेगा सीजन 1 इलाइट पास में। पहले तो आप लोग इमोट देख सकते हो जो की यार देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। और गाइस आप लोग ये वाला इमोट देखो, गोर छूने वाला इमोट, ये लग रहा है भाई जेठालाल से इंस्पायर होकर लिया गया बापूजी परनाम वाला इमोट है, और भाई देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये, लेकिन पैसे देकर आप लोग ले पाओगे। और भी बहुत कुछ है इस इलाइट पास में, बट गाइस मैं आपको बस मेन चीज दिखा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर ये देखो चप्पल माँ का प्यार, मतलब कि मिली वेपन, और दोस्तों आपको ऐसे ही शानदार रिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग इसमें पैसा लगाओगे तो। चलो तो गाइस अब देखते हैं सीजन 1 का मेन इलाइट पास का बंडल, जिसे इस गेम में बोलते हैं अवतार, ठीक है ना। सो गाइस आप लोग के सामने पेश है पोखरण अवतार, भाई क्या ही तो लग रहा है सीजन 1 का मेन बंडल देखने में, मेन बंडल नहीं अवतार देखने में, लेकिन दोस्तों मैं इसको बंडल बोलूंगा जिससे कि मेरे फ्री फायर ऑडियंस समझ पाए। सो दोस्तों आप लोग बंडल को अच्छे से देख लो जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बंडल कैसा दिखने वाला है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या इसको लेना सही रहेगा, क्या आगे चल के रेयर होगा या नहीं होगा। पहले आप लोग यहाँ बंडल को देखो भाई, क्या ही तो बंडल के डिजाइनर ने बंडल को डिजाइन किया, आप लोग ने अच्छे से देख लिया होगा। अब बात करते हैं क्या आपको ये इलाइट पास लेना चाहिए। तो गाइस देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पैसे लगाकर इलाइट पास लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस आप लोग क्या करो, इस गेम को तो अभी के टाइम पे कोई खेल भी नहीं रहा उतने बंदे, अभी के टाइम पे आप लोग पास एक अच्छा मौका है। अगर इन फ्यूचर ये गेम ग्रो कर जाता है तब गाइस आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छा रेयर अपनी पोजिशन बना सकते हो गेम में। यहाँ पर अगर ना जितने भी फ्री वाले सामान है सबको जमा कर लो, बिकॉज फ्री वाले आइटम की भी वैल्यू होती है, बिकॉज सीजन 1 का है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ने फ्री वाले ही मतलब जितने भी सामान सब जमा कर लिया, बाय चांस अगर मतलब कि इसका भी सीन फ्री फायर जैसा हो गया रेयर वाला, तो आप लोग के भाई मजे अगर नहीं होता तो भी आप लोग का नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग स्मार्टली प्ले कर सकते हो, अभी आपके पास 1 महीने है, फ्री वाले जितने भी सामान जाकर मिशन कंप्लीट कर लो, और हो सके तो मैं भी थोड़ा टाइम निकाल कर इसको कंप्लीट कर लूंगा। और ऐसे आईडी से लॉगिन करना, याद रखना ऐसे आईडी से लॉगिन करना जिससे कि आप लोग आज से 2 साल बाद भी अगर उस आईडी को खोलो मतलब उस फेसबुक को या उस जीमेल को खोलो तो आप लोग सिक्योर से खोल पाओ। ये नहीं कि भाई गेस्ट अकाउंट से कर लिया कुछ भी लॉगिन और बाद में फिर फ्री फायर वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। वैसे शायद गैस अकाउंट से नहीं होता, जो भी है आप लोग कुछ ऐसे अकाउंट से करना जो कि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। और दोस्तों अगर आपको फिर भी लाइट पास बाय करना तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग कैसे बाय कर सकते हो। यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 तरह के हैं, एक प्रीमियम पास है, एक है प्रीमियम पास प्लस। मतलब कि अगर आप लोग सिर्फ प्रीमियम पास लोगे जो कि 200 डायमंड का है,
तो आपको यहाँ पर सब सामान तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग प्रीमियम पास प्लस लोगे तो आपको ऑलरेडी 30 लेवल मिलेगा अनलॉक, उसके बाद आप लोग को बाकी सामान मिलेगा। और दोस्तों यहाँ के डायमंड की प्राइस फ्री फायर से ज्यादा है, अगर आप लोग को यहाँ पर 50 डायमंड चाहिए तो आपको 80 रुपए लगाने पड़ेंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको 80 रुपए में सिर्फ 50 डायमंड मिलने वाले हैं, और फ्री फायर में मिलते 80 रुपए का 100 डायमंड, मतलब कि डबल डायमंड मिलते हैं, और यहाँ पर हम लोग से उतना ही रुपए लिया जाता है। गाइस मुझे लगा भारत का गेम है तो कम पैसा लेगा, बट ये तो ज्यादा पैसा ले रहा है। सो आई होप गाइस आप लोग का फ्री फायर और इंडस के बीच का बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा इस वीडियो से। और गाइस आप लोग के लिए मेरे पास एक खतरनाक काम है, आप लोग को इस गेम का भविष्यवाणी करना है, ये गेम आगे चल के ग्रो होगा या नहीं होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर गाइस हम लोग 2 साल बाद इस वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करेंगे और देखेंगे भाई किस बंदे ने सही भविष्यवाणी की थी। और दोस्तों मेरा खुद का मानना है ये गेम जरूर ग्रो करेगा, ये इंडिया का गेम है, ग्रो करके ही मानेगा, बट यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और गाइस अगर आप लोग को ऐसे ही शानदार कंटेंट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।